वेलकम, मैं हूँ रोहिणी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस। किस बॉलीवुड स्टार ने सलमान से छीना कटरीना की तरह एक जूस ब्रांड को एंडोर्स करने का मौका? साजिद नाडियाडवाला प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज पर एक्सक्लूसिवली शेयर करेंगे अपनी फिल्म किक की पूरी डिटेल्स और दिखाएंगे जॉन इब्राहिम का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। सलमान खान आज भले ही बॉलीवुड के सबसे पावरफुल स्टार हैं, फिल्म्स हो या एड वर्ल्ड, सलमान आजकल हर जगह राज कर रहे हैं। लेकिन जूम को एक्सक्लूसिव सोर्सेस से पता चला है कि सलमान से एक बॉलीवुड स्टार ने छीन लिया है उनका फेवरेट ब्रांड। कौन है वो स्टार, फाइंड आउट इन आवर टॉप स्टोरी। एक ब्रांड ने ठुकराया ब्रांड एंडोर्सर ऑफ द ईयर का टाइटल अपने नाम करने वाले स्टार को, और सलमान खान को पहले ऑफर किया हुआ ये ब्रांड हो गया है उनके दुश्मन के नाम। जी हाँ, ये अपडेट अब आम होने वाला है कि सलमान खान को ब्रांड वॉर में मिलने जा रहा है उनके सबसे बड़े राइवल से मार, और वो भी ऐसे मामले में जो आम से जुड़ा है। ये ब्रांड है एक मैंगो जूस प्रोडक्ट, ठीक उस जूस ब्रांड की तरह जिसे कटरीना कैफ एंडोर्स करती हैं। वही पास आते जा रहे समर्स एंड मैंगो सीजन की वजह से एक और जूस ब्रांड भी आजकल रेस में है जो सबको बता रहा है कि आम और लव का कोई सीजन नहीं होता। फिर ऐसे में आखिर क्या हुआ कि सलमान से मिस हो गया मैंगो जूस को एंडोर्स करने का ये सीजन, और सलमान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने की चाहत रखने वाले इस ब्रांड ने रिपोर्टेडली शाहरुख खान को फाइनल कर लिया है। तो आपको बता दें कि ये दरअसल हुआ है सलमान खान के टैंट्रम्स की वजह से। ब्रांड ने शाहरुख से पहले सलमान को अप्रोच किया था, पर सलमान खान के सुपरस्टार्स वाले टैंट्रम्स की वजह से शायद बात नहीं बनी। वैसे भी एक सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड को लेकर रिसेंटली सलमान खान की एंडोर्समेंट डील सुर्खियां बटोर चुकी है, क्योंकि इस ब्रांड को एंडोर्स करने के पीछे रिपोर्टेडली सलमान भाई ने उनके चैरिटेबल फाउंडेशन को सपोर्ट करने की शर्त भी रखी थी। इसलिए आपने गौर किया होगा कि इस सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड के टेलीविजन कमर्शियल में सलमान भाई अपने चैरिटेबल फाउंडेशन बीइंग ह्यूमन से मिलते जुलते बीइंग दबंग वाले अंदाज में नजर आ रहे हैं। बस लगता है कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से सलमान भाई की डील उस जूस ब्रांड को पसंद ना आई हो। बस सलमान खान की एंडोर्समेंट डील साइन करने के लिए टफ रूल बुक से डर कर शायद वो ब्रांड पहुंच गया शाहरुख खान के पास, जो लगता है किसी को ना खुश नहीं करना चाहते, इसीलिए उन्होंने इस ब्रांड के लिए तुरंत हाँ कर दी। यानी अब जल्द ही कटरीना की तरह शाहरुख खान भी आम रस में डूबे नजर आएंगे। फिर अपने अपने जूस ब्रांड्स के लिए शाहरुख खान और कटरीना के एड्स जब जब सलमान भाई के सामने आएंगे, उन्हें एक टीस जरूर दे जाएंगे कि अगर सलमान भाई ने पहले उन्हें ऑफर हुए इस जूस ब्रांड को इतना ज्यादा ना लटकाया होता तो शायद कटरीना के बाद इस एड में उनके रसिया अवतार को बड़ी वाहवाही मिलती। पर अब लगता है उन्हें रसिया जैसे टैग से जुड़ने का मौका नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इस टैग पर शाहरुख खान कब्जा करने जा रहे हैं। यानी बात जब जब रस और बॉलीवुड के रसिया की होगी तो ब्रांड वर्ल्ड की इस छोटी सी जीत से शाहरुख ही सलमान का मुंह चढ़ाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम मुंबई। फिल्म किक की कौन है एक्ट्रेस? किक की शूटिंग कब हो रही है शुरू? क्या सलमान की वजह से फिल्म किक की शूटिंग हो रही है डिले? आज हर कोई सलमान की फिल्म किक को लेकर यही कुछ सवाल पूछ रहा है, और आज साजिद नाडियाडवाला एक्सक्लूसिवली प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज पर देंगे इन सारे सवालों के जवाब। सलमान खान की फिल्म किक के बारे में आए दिन न्यूज़पेपर्स में कभी फिल्म की एक्ट्रेस को लेकर स्पेकुलेशन की जाती है, तो कभी फिल्म की शूटिंग डेट्स को लेकर, और आज हम इन सारी स्पेकुलेशंस को खत्म करते हुए आपको बताएंगे आखिर क्या है फिल्म की करंट स्टेटस। रिसेंटली एक इवेंट पर पहुंचे फिल्म के डायरेक्टर साजिद नाडियाडवाला ने जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए बताया कि अभी तक उन्होंने फिल्म की एक्ट्रेस फाइनलाइज नहीं की है। अभी तो फिलहाल आई एम राइटिंग द फिल्म, द फिल्म विल स्टार्ट इन अगस्त, तो मुझे लगता है इस फिल्म की कास्टिंग will be decided by March. जी हाँ, साजिद का साफ साफ कहना है कि उन्होंने अभी तक फिल्म की कास्ट फाइनलाइज नहीं की है। यही नहीं, साजिद नाडियाडवाला ने यहाँ ये भी साफ कर दिया कि सलमान खान की वजह से नहीं बल्कि और दूसरी वजहों से अभी तक ये फिल्म शुरू नहीं हो पाई है। कुछ नहीं, एज ए न्यू डायरेक्टर मुझे भी टाइम चाहिए। इफ आई एम ट्राइंग टू बी अ डायरेक्टर आफ्टर 20 इयर्स,
तो मुझे 6-8 महीना 1 साल चाहिए राइटिंग के लिए। Well, लगता है साजिद पहले खुद को पूरी तरह तैयार कर लेना चाहते हैं, तभी वो सलमान खान को अप्रोच करेंगे। वैसे साजिद ने यहाँ जूम को अपनी फिल्म जुड़वा 2 को लेकर आ रही खबरों पर भी क्लैरिफिकेशन दी। नहीं, अभी फिलहाल वो फिल्म नहीं कर रहा हूँ। I'm only now directing Kick with Salman. Well, Sajid Nadiadwala के इन स्टेटमेंट से कम अब फिल्म किक और जुड़वा को लेकर सामने आ रही रूमर्स खत्म हो गई हैं। For रोशनी दुबे, Zoom, Mumbai. फिल्म इंग्लिश विंग्लिश की सक्सेस के बाद श्रीदेवी और डायरेक्टर गौरी शिंदे फिर से एक प्रोजेक्ट पर साथ काम करने जा रही हैं। कौन सा है वो प्रोजेक्ट? Let's find out. श्रीदेवी और गौरी शिंदे की जोड़ी फिर से एक साथ करने जा रही है कमबैक। मगर ना तो ये किसी नई फिल्म के लिए है और ना ही इंग्लिश विंग्लिश के सीक्वल के लिए, बल्कि इस बार गौरी बनने जा रही हैं एड फिल्म मेकर और वो डायरेक्ट करेंगी श्रीदेवी को। श्रीदेवी बहुत जल्द एक ज्वेलरी ब्रांड के लिए शूट करने जा रही है। इस कमर्शियल के लिए उन्हें गौरी शिंदे डायरेक्ट करेंगे। इंग्लिश विंग्लिश के बाद ये पहली बार होगा जब डायरेक्टर एक्टर की ये जोड़ी एक साथ आएगी। इससे पहले श्रीदेवी के साथ गौरी के पति आर बाल्की भी एड डायरेक्ट कर चुके हैं। अब दोनों की जोड़ी को बॉक्स ऑफिस और अवार्ड सर्किट पर तो खूब सराहा गया है। देखते हैं कि जब ये दोनों एक एड को लेकर आएंगे तो किस तरह का फीडबैक मिलता है। एक्टर अनुपम खेर भले ही हॉलीवुड फिल्म सिल्वर लाइनिंग प्लेबुक में लीड रोल प्ले ना कर रहे हो, लेकिन इंडिया में इस फिल्म को अनुपम खेर के नाम पर ही बेचा जा रहा है। आप भी देखिए कैसे। अनुपम खेर की फिल्म सिल्वर लाइनिंग्स प्लेबुक इन दिनों अवार्ड सेरेमनीज में 4 चांद क्या लगा रही है। अनुपम मानो खुशी से फूले नहीं समा रहे। बात तो यहां तक पहुंच गई है कि इंडिया में अनुपम के नाम पर ऑडियंस बटोरने के लिए स्पेशल पोस्टर्स भी तैयार किए गए हैं और इन पोस्टर्स पर बाकायदा अनुपम का नाम लिखा हुआ है। इतना ही नहीं, गौर करें तो अनुपम के फोटो के साथ इंट्रो भी दिया हुआ है। हॉलीवुड के लिए तैयार किए गए पोस्टर से ये पोस्टर भी अलग है। इसमें सिर्फ और सिर्फ अनुपम छाए हुए हैं। अब गौर करने वाली बात ये है कि ये मेकर्स की तरफ से की गई स्ट्रेटजी है या अनुपम का पर्सनल मूव, जो पोस्टर्स पर अनुपम को स्पेशल मेंशन किया हुआ है। वैसे जब से ये फिल्म सुर्खियों में आई है तब से अनुपम ने इसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जरिए काफी प्रमोट भी किया है। वी होप अनुपम हॉलीवुड में अपनी प्रेजेंस फील कर पाने का आपका ये मूव कामयाब हो। मिशन इम्पॉसिबल 4 के अनिल और स्पाइडरमैन के इरफान की तरह कहीं आप खो न जाएं। टाइम टू शो यू स्पेशल रिपोर्ट। आइटम नंबर फेविकॉल पर थिरकती ये स्टार क्या आपको याद है? जी हाँ, आप भी इन्हें पहचान ही गए होंगे। ये है एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता, जो काफी समय बाद हमें नजर आई एक टेलीविजन शो के सेट्स पर। और जब तनुश्री हमें इतने समय बाद कहीं नजर आई तो हमारा पहला सवाल उनसे यही था कि आखिर वो गायब कहाँ हो गई थी। वर्टिकल पे थी, काफी कुछ नया ट्राई किया, ट्रैवल किया काफी, और अभी कुछ 8 महीने हो गए हैं आई मीन बॉम्बे आपसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन आई केम बैक। Well, तनुश्री, आपको हमने ही नहीं पिछले कुछ दिनों से किसी ने कहीं पर नहीं देखा। वैसे तनुश्री यहाँ पहुँची थी एक टेलीविजन शो के शूट के लिए, तो हमने उनसे जानने की कोशिश की कि क्या टेलीविजन से वो कमबैक करने वाली है। I don't understand the word comeback. This was just something I was free and you know the team of Shapath, they asked me if I would like to do you know one special episode. और मैंने टीवी में स्पेशल अपीयरेंसेस पहले भी किए हैं काफी, एंड मुझे जो रिएक्शन मिला है आई लाइक दैट रिएक्शन। तनुश्री, वी होप आपको इस टेलीविजन सीरियल के लिए भी ऑडियंसेस का अच्छा रिस्पांस मिले। और टेलीविजन ही नहीं, वी आर श्योर आपकी ऑडियंसेस बहुत जल्द आपको सिल्वर स्क्रीन पर देखना चाहेंगे। फॉर रुद्रानी चटोराज, जूम, मुंबई। बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे जॉन अब्राहम का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। रिसेंटली जॉन अब्राहम अपनी फिल्म आई मी और मैं को प्रमोट करने पहुंचे जूम के ऑफिस, और यहां जॉन ने हमसे की एक्सक्लूसिव बात। टेक अ लुक। लेट्स वेलकम जॉन। वेलकम टू जूम जॉन। थैंक यू सलमान, यू रियली सैंग वेल। आई थिंक आपका जो एटीट्यूड है वो बहुत अच्छा है। यू आर वेरी स्पोर्टिंग एंड आई रियली थिंक यू डन अ गुड जॉब विद योर सिंगिंग। जब कंपनी हो साथ ऐसे तो फिर तो
आ ही जाता है वो डेट एनर्जी आ ही जाती है. सो देन यू सिंग अगेन, आई एम टर्निंग अगेन. ओह नो, आप फिर भाग जाओगे और स्पेशली वो ऑडियंस से वो भाग जाएगी. ओके, ये सॉन्ग बहुत पसंद आ रहा है एंड सबसे इंटरेस्टिंग है जॉन की इसमें आप जो डांस कर रहे हो ना वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. मतलब लाइक नाउ यू आर डांसिंग ऑल्सो. I started dancing a long time ago, but नहीं इसमें बहुत ज़्यादा better हो गई है, बहुत अच्छा लग रहा है. मतलब मुझे थोड़ा बहुत improve कर रहा हूँ मैं. और ये जो mind block था मेरा कि you know I'm only an action star and I don't want to dance, and वो थोड़ा मैंने निकाल दिया mind से and I think very clearly. और आई थिंक फ्रॉम द टाइम आई डिड देसी बॉयज, सुबह होने ना दे, वो टाइम से आई थिंक अक्षय भी बहुत ही हेल्पफुल था. और हमारे जो कोरियोग्राफर थे उस टाइम पे बॉस्को, ही वॉज वेरी एनकरेजिंग. और उसके बाद अहमद के साथ जो मैंने अल्लाह दुआई और पार्टी ऑन माय माइंड करा था, आई थिंक ही वाज वेरी स्पोर्टिंग. तो ना जाने बहुत ही इजीली आ गया. अहमद कोरियोग्राफर था और उसने कहा कि जॉन नाउ आई एम नॉट रियली गोना फोर्स यू बिकॉज यू नो इट, एन्जॉय. सो आई एन्जॉय माय डांस नाउ. ये आइडिया किसका था? बिकॉज ये सॉन्ग पे तो हमने श्रीदेवी को डांस करते हुए देखा था. नाउ द चेंज अचानक लड़के पर आ गया है. जी आई थिंक इसका क्रेडिट मैं भूषण कुमार को देना चाहता हूँ और गोल्डी बेल को. बिकॉज भूषण हैड दिस सॉन्ग एंड ही सेड जॉन ये गाना मेरे पास है एंड व्हाई डोंट वी टर्न दिस अराउंड. ना जाने कहाँ से आई है को, ना जाने कहाँ से आया है विल मेक इट. सो आई सेड दैट्स अ गुड आइडिया, लेट्स ट्राई, लेट्स लिसन टू इट. सुनने के बाद हम लोग डिसाइड करेंगे. और जो फाइनल रेंडिशन आया, Who's that sexy boy? Where does he come from? You know, that whole thing fell into place beautifully and we decided to do it. John, aap bahut acha gaate ho. Nahi, I swear. Matlab, aapne just wo do teen words kiya and like, it's nice. Let's John say sing. Yeah, I'll join you. Okay, what do we sing? Yeah, I mean, whatever you want. I mean, your message. Ab, jo bhi aapko song pasand. Sajana. Oh, Sajana, I don't know. I would love to sing the song to you, but maybe on the next this, because wo mera favorite gana hai Sajna. Yeah. I Me Your Maise, aur that song is sung by a Pakistani singer Falak. It's a beautiful song, aur uska remix jo tha humne kal hi shoot kiya tha. We shot a beautiful video on the song and I think it's going to be a super hit. तो आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, आई विल सिंग द एंटायर सॉन्ग टू यू, आई प्रॉमिस. चलो ठीक है, दे दिया, कोई नहीं. वैसे फिल्म में जो आप रोल प्ले कर रहे हैं कमिटमेंट फोबिक का, वो क्या किस तरह का रोल है? आप दोनों लड़कियों के पीछे हैं, क्या है? टेल अस. जी आई थिंक इट्स पहले तो आई मी और मैं एक कमिंग ऑफ एज फिल्म है, एक स्लाइस ऑफ लाइफ फिल्म. अगर आप देखने जाओगे सलमा, यू विल अंडरस्टैंड दैट इट्स, यू प्रॉब्ली एक्सपीरियंस दिस इन योर लाइफ. अगर आपका कोई बॉयफ्रेंड हो. मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है. And who's interested in my boyfriend, John? I'm just telling you. So if you sit with your boyfriend or your friend who's a boy, no? Same thing. Yeah, same thing. If you sit with him, or agar aap ye picture dekh rahe ho, I'm here, main, you'll actually give him a nudge and say, you know what? Ye Ishan Sabharwal jo hai screen pe is exactly like you. मेरे जिंदगी में आई हैव एक्सपीरियंस दिस मैन इन माय लाइफ. कैसे? मतलब आप लोग ने, आपने कैसे पूरा लोगों को, इतनी सारी औरतें एक लाइफ में हो तो, इतनी सारी औरतें लाइफ में और फिल्म में भी, तो मुझे बहुत मजा आया. आई एंजॉयड इट बिकॉज आई लव वर्किंग अराउंड वुमेन. आई थिंक दे मेक मी फील वेरी कंफर्टेबल एंड जैसे मैंने कहा कि दे ऑल्सो ब्यूटिफुल यू नो एंड दे नाइस. So I love working around women. वैसे जॉन आप लाइक यू आर एंटरिंग इन 40 आप एंड 40 प्लस जो भी एक्टर्स इस वक्त बॉलीवुड में हैं वो जितने कॉम्पिटिटर दिखाई देते हैं मतलब लाइक आप टॉकिंग अबाउट शाहरुख सलमान एंड मेनी पीपल आप वैसे नहीं हो. मतलब आप बहुत स्मार्टली बहुत यू नो लाइक पोलाइटली और अपनी हर चीज़ काम कर रहे हो, चाहे प्रोडक्शन को लेकर हो, फिल्मों को लेकर हो, अलग से कुछ और चीज़ को लेकर. तो आई यू नॉट लाइक यू आर नॉट कॉम्पिटिटिव कि ऐसा लग आपको करना है उनके साथ 100 crore में जाना है या ऐसा कुछ? नहीं, मैं कॉम्पिटिटिव नहीं हूँ सलमा. आपने एग्जैक्टली जो मेरे माइंड में था आपने कहा. आई एम नॉट एट ऑल कॉम्पिटिटिव क्योंकि अगर आपने मेरी पास में फिल्म्स देखी होगी, नो स्मोकिंग चली नहीं, बट आई लव्ड इट, माय बेस्ट परफॉर्मेंस, जिंदा एवरेज रही, टैक्सी 9-11 वेरी वेल अप्रिशिएटेड, काबुल एक्सप्रेस जो खास करके इतनी चली नहीं बट आई लव्ड इट. तो आई हैव ऑलवेज ट्राई टू डू फिल्म्स दैट आर वेरी डिफरेंट. वाटर जो यहाँ पे चली भी नहीं एक शो के लिए बट वेंट टू द अकेडमी अवार्ड्स फॉर द बेस्ट फॉरन फिल्म. सो एज अ प्रोड्यूसर आई डिसाइडेड टू डू अ फिल्म लाइक विकी डोनर. अगर मैं किसी स्टूडियो को बोलता कि मैं एक पिक्चर कर रहा हूँ स्पर्म डोनर पे, दे वुड लाफ एट मी ऑन माई फेस. लेकिन मुझे पता था कि मुझे क्या करना है. किसी ने मुझे ये भी कहा कि आंट यू हैप्पी जॉन, हाउसफुल 2 और रेस 2 हैव बोथ बीन 100 crore फिल्म्स बैक टू बैक, यू आर द ओनली एक्टर हुज़ गॉट बैक टू बैक 100 crore फिल्म्स. तो मैंने कहा कि मैं खुश तभी होता इफ आई कैन जस्ट डू सम गुड फिल्म्स. यू नो इट्स इंपॉर्टेंट टू डू गुड फिल्म्स.
अगर मुझे एक ऑप्शन दिया जाता है कि वुड यू डू अ गुड फिल्म और अ 100 crore फिल्म, आई'ड से आई'ड डू अ गुड 100 crore फिल्म, बट आई'ड रादर डू अ गुड फिल्म. आई थिंक दैट्स इम्पॉर्टेंट. तो आपका जो क्रेडिबिलिटी है वो बढ़ जाता है. वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव गुड क्रेडिबिलिटी एज एन एक्टर. ये थे जॉन काफी अच्छे मूड में, अच्छे अच्छे सवाल के अच्छे अच्छे जवाब देते हुए. कैमरामैन हरी के साथ सलमा खान, जूम मुंबई. प्लानेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे डायना पेंटी के फोटोशूट की खास झलक. डायना पेंटी ने रिसेंटली ग्राजिया मैगजीन के लिए किया एक हॉट एंड ग्लैमरस फोटोशूट, और जूम आपके लिए लेकर आया है इस फोटोशूट की खास झलक. टेक अ लुक. It's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स. Till then, keep watching Zoom, India's number one Bollywood channel.